करते घर में अंधेरा चाहते कि प्रकाश, प्रकाश अंदर प्रकाश चाहते कि बाहर, अंदर एक्स्ट्रा कर दो दोनों। इसलिए पुराने जमाने में लोग की कभी अमेरिका भी उसी हालत से गुजरा होगा, दीवा होता है ना दीवा, अगर ये अंदर रखते हैं तो बाहर रखते हैं और बाहर रखते हैं तो दिया एक है, कहां रहना चाहिए सुनो, सब बात आप ही बता दो तो मैं क्या करूंगा। दिया एक है, बाहर रखो तो अंधेरा, अंदर और अंदर रखो तो बाहर अंधेरा, उसको चौपट पर रख दो, खाए पर शुगर समझो क्या बोलते हैं, चौपट पर रख दो, अंदर भी रहेगा बाहर भी रहेगा। अब यहां पर इस मणि को भक्ति रूपी मणि को खा रखे जी पर हनुमान में लिखा है राम राम दीप धर जी देहरी द्वार देहरी बोलते इसको दरवाजे को देहरी दहरीज राम नाम मन दीप धर जी देहरी द्वार तुलसी भीतर बाघरो जो चालसी जिया श्री राम सबके लिए
के आश्रम के लिए होता है, फ्री गौ सेवा, विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई, यज्ञ हवन अनुष्ठान, ये सब जो प्रवृत्तियां हैं वो सब चलती है। आप शुक्र करो कि तुम किसी महात्मा को 10 डॉलर या 5 डॉलर या 1 डॉलर चढ़ाते हो तो तुम्हारा ये बिना तनख्वाह के नौकरी कर रहा है वो तुम्हारा यहां से वहां पहुंचा दिया, वहां खर्च हुआ, अपने आप जाओगे तो 50,000 रुपए का टिकट लगा कर लगाओ, 60,000 टिकट लगाओ, 1 रुपये तुम्हारा काम लग गया। अगर तुम्हारा नगद भी पड़ेगा, लेंगर बना हुआ है और तुमने 1,000 आदमी का भोजन बनाया था, 1 डॉलर का नमक अगर उसमें पड़ गया तो 1,000 महात्मा खा चुकेगा, 1 लाख मिनट भी आदमी नहीं खाएगा, लेकिन नमक बना दिया। क्या तुम दे रहे हो बड़ा महत्व नहीं है, लेकिन दे रहे हो ये शुक्र गुरु परमात्मा का कि किसी के थ्रू आपका वहां पहुंचा है। क्या बोलते हो उसको वैक्सीनेशन वायर ट्रांसफर, वायर ट्रांसफर क्या पाया है तब पर ये सही बात। तो मैं आपको निवेदन कर रहा बाबा लोग को आते हैं, आप देखिए 1980 से मैं आता हूं और 99% मैं अपने टिकट से आता हूं, जब कभी भी बुलाते हैं कोई अपने कार्यक्रम के लिए, जैसे हिंदू सेंटर में भी मुझे बुलाया था जब ये पूजा हुआ था, तो टिकट इन्होंने जबरदस्ती हमको भेजा, हम उम्मीद नहीं रखते, तो टिकट अपना लेकर के आए, साथ में 150 डॉलर भी है और यहां 50 मिनट के अंदर मेरे कई भक्त हैं, उनके बाप बाप पैदा करने के लिए भक्त थे, कोई चिंता नहीं है, मस्त है, मिला तो ठीक नहीं मिला तो ठीक, लेकिन डंडा तैयार है, श्री राम जय राम, कहने से नहीं छुके। तो मैं आपको बता रहा था कि भगवान की भक्ति केवल को दिया, बिना चिन्ह करनायत भक्ति विमल कर दे, जो सब सुखों की जो खाली है, लेकिन याद रखना वो भक्ति सत्संग के बिना मिलने वाला नहीं। आप देखिए कि आपके 1-10 डॉलर या 1,000 डॉलर या 500 डॉलर का जो डोनेशन आपने दिया उसका ये साक्षात विराजमान तस्वीर है। आप यहां आए आपको सजा हुआ बिस्तर मिला है, हमें बड़ा संकोच होता है, मैं देखता हूं ऊपर से जब ब्राह्मण लोग ये दरिया बिछाते हैं, चक्कर बिछाते हैं, प्रभारी अपराध है, विप्र चालू हुआ, ब्राह्मण आपका काम करे वो तो बड़ा भारी पाप है, लेकिन करे क्या, बिस्तर में जाता है, सुनाने वाले हमारे जैसे रसीले आपको कहानी सुना देते हैं, फिर बता बनाया रोटी मिल जाता है, ये सारी सुविधाएं जो आपको मिली है आपके उदारता पूर्वक कर्तव्य का, आपके धाम का ये परिणाम है। श्री राम जय राम, धर्म के 4 पद है, सत्य अहिंसा तप और धाम, प्रकृति 4 पद, धर्म के गरिमा एक प्रधान, ये दीजिए दान करे कल्याण, किसी तरह से भी हम दान करते हैं हमारा कल्याण होता है, ये सब सत्संग से हमें लिविंग मिलती है, लिविंग स्टाइल, रहने का तरीका, जीवन शैली, तो ये सब सुखों की खानी सत्संग, जिसका फल है भक्ति और भक्ति सब सुखों की खान, केवल भगवान ने वो दे दिया। जब चीजों में नहीं बसा, पहले के जमाने में माताएं जब बच्चा खेल रहा होता है और माँ चावल पसा रही है या पूरी छान रही है या कपड़ा पर प्रेस कर रही है और बच्चा रो पड़ा तो चावल का पानी निकालती रहेगी, लेकिन तो चावल खराब हो जाएगा तो टॉफी फेंक देती है,
बच्चा नहीं लेता, फिर खिलौने फेंक देती है। जब वो खिलौना देकर भी चुप नहीं होता तब माँ क्या करती है? माँ क्या करती है फिर? ये सब अमेरिकन माइया है। जब खिलौनों में बच्चा नहीं घुसता तो माँ जाके उसको गोदी में उठाती है। गोदी में माँ उठाएगी कब? जब खिलौनों को ठोकर मारो करता। जब तक खिलौनों में फंसे हो माँ अपना काम कर रही है। इसी तरह से परमात्मा रूपी माँ से अगर मिला है तो जगत की पदार्थ रूपी खिलौनों को जब तक ठोकर नहीं मारोगे तब तक उसका गोद मिलने वाला नहीं है। श्री राम जय राम जय राम। बहुत कलों में बोले बंसी है नहीं कछु के मन नहीं विराकीन कर प्रायतन भक्ति की मधुर भर दे गुरु गंगा मैया की जय। बात खत्म। एक चैप्टर क्लोज। दूसरा शुरू हो रहा है क्या? सीएससी सीएसुल सर ही सीएसुल सर ही कहो कर जोरी मात मनोरथ मोरी। हर जन कहते गंगा मैया के सामने सीता जी ने कहा बोले माँ मेरी मनोकामना पूरी करना। क्या? पर पति देव संग कुशल बहोरी और आई करो जे पूजा तो। क्या महामहान प्रधान माता ने एक मांगने की भी कला होती है। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रिंस बोलो श्री राम जय राम जय राम। एक आदमी ने तपस्या किया, नेत्रहीन था, अंधा था। भगवान जी प्रकट हुए, बोले भक्त मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहिए? बोले महाराज तीन चीजें बहुत जरूरी है। बोले क्या? बोले तो मुझे अपनी आंख चाहिए और दूसरा बड़ी गरीबी है, दरिद्रता है, माना थोड़ा धन भी चाहिए और तीसरा 10 साल हो गया शादी में कोई बच्चा नहीं हुआ। भगवान ने कहा जितना तुमने किया उसमें एक वरदान मिलेगा। बोले कम से कम दो ही दे दीजिए, आंख दे दीजिए, धन दे दीजिए। बोले कहा में एक ही मिलेगा? बोले ठीक है कोई बात नहीं, आपको मन की तो एक ही दे दो। बोले क्या चाहता है? बोले सोने सोने के सिंहासन पर बैठे हुए मैं अपने बेटे को देखूं। एक ही दिन बोले कि लोग ये दुनिया वालों की खोपड़ी भी बिछे थे भगवान तुम्हें चेहरे बड़े सर सोने के सिंहासन पर बैठे हुए मैं अपने बेटे को देखूं। आज मां जानती नहीं क्या मान। बोले पति देवर संकुशल बहुरी पूरा सेफ और आई करम के पूजा तोरी। हे भैया ऐसा बताएगा कि मेरे प्राणनाथ मेरे देवर जी हम सबको कुशल पूर्वक आ करके आपकी पूजा करें। गंगा मां ने कहा कि देवी जो तुमने मेरी विनती की है वो कृपा की नुमाइंदीन बनाई। कौन नहीं जानता है आपके प्रभु को? लोग कौन भी लोग कर तो रे तो ऐसे वही सब सिद्धि कर जो रे सारी सिद्धि बैठे ही जानके तुम्हारे आगे हाथ उठ खड़ी रहती है। तुम जिसको एक बार देख लो वो लोकपाल हो जाएगा, एक लोग का मालिक हो जाएगा। इतनी शक्तिशाली आप है फिर भी आपने मेरी प्रार्थना किया तो सफल होते शीशा मैं आशीर्वाद जरूर दूंगी क्योंकि वो सफल होने वाला ही है। श्री राम जय राम जय राम। पति देवर संकुशल सुरसर हरी जग छाए पूरे मन का मना सुजसर नहीं जग छाए। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। बीच में जो भाई बोले मैं हेरा फेरी कर जाता हूं।
का प्रभाव है। ये तो आप कितने अच्छे हैं, मेरी तरफ से खराब बात को भी आप स्वीकार करेगा। तो गंगा माँ ने कहा कि तुम पति और देवर के साथ सकुशल आओगी और तुम्हारा यश पूरे परिवार में छा जाएगा, जिसको लोग कथा करेंगे, अर्जुन पूरी भी कथा करेगा। अब उसके बाद भगवान को छोड़ चले राम रघुराई, 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 आगे आगे राम चले पीछे लक्ष्मण भाई, आगे आगे राम चले पीछे लक्ष्मण भाई, आगे आगे चले पीछे लक्ष्मण। अरे बीचवा में चली देखो, बीचवा में चली देखो, जानकी के माई भगवान को छोड़ चले राम जी निवृत्त हुए। तो
भारद्वाज से पूछा कि प्रभु बताइए आगे चित्रकूट के तरफ जाना है काउमुदी हम कहीं में भी जा रहे हैं गुरुवर मैं किस तरह से जाऊं। भारद्वाज ने कहा कि प्रभु सुगम शकल मग तुम कहां आई सारे रास्ते आपके लिए अनुकूल है ये बात वैज्ञानिक होगी टॉप लेवल की जो राम जी समझे हम लोग वो समझे। उसके बाद तुरंत अपने 10-5 शिष्यों को बुलाया जो बड़े पुण्यात्मा थे कई जन्मों का जिनका पुण्य था और साथ में दिया कि जाओ अब ये हम लोग चले। भगवान श्री राम जमुना मैया के किनारे पहुंचे और अपने बलों की स्वरौना जमुना जी को देख कर प्रणाम किया। उसके बाद गंगावानी उद मंगल मूला इस पृथ्वी के सबसे मंगल सबसे कल्याणकारी आपको एक बात बता दूं राम जी कृष्ण जी ये सब लोग गंगा के भक्त हैं कल हमने बताया था राम के लोग देखा चंदरंगा कहीं कहीं को कथा प्रसंगा अभी आपने देखा नहीं पूजा किया और सुनो सुनने वालों मैं हरिद्वार में रहता हूं गंगा जी मेरे यहां है डॉलर चाहिए तो अमेरिका आओ गंगा जी चाहिए तो हरिद्वार आओ हरिद्वार आओ हरिद्वार गेटवे ऑफ गॉड हिमालय शुरू होता है बद्री किनारे में दूसरी जमुत्री और उसको बोलते हैं हरि का और पौड़ी पंजाबी में पौड़ी किसे कहते हैं पौड़ी पौड़ी जय माता दी श्री तो हर की जो प्रभु कुंज है वहां से शुरू होता है हम रास्ते में हैं हम वो जगह है जहां साधु ऋषि ने तपस्या किया था और गंगा जी का हिमालय जाए तो पहली बार उन्होंने अपने को सात रूप में माना सातों ऋषियों के सामने से निकली इसलिए उसका नाम सप्त सरोवर है सप्त ऋषि आश्रम भी कहते हैं सप्त ऋषि हो जहां हम रहते हैं एक तरफ ग्रीन बेल्ट है और एक तरफ आश्रम ही आश्रम है उसमें आपको अनोखा वावन में मिलेगा तुलसी मानस मंदिर जो वास्तुकला स्थापित कला का एक अनुपम देश है आप चाहे तो उस पर देख सकते किस पर गूगल पर तुलसी मानस मंदिर एक्सरवाल दिल्ली मंदिर कैसे बना गेट कैसा है फिर अंदर उसी फिर भगवान जी कैसे भगवान जी के श्रीराम चित्रा जी में है और फिर द्वारों पर आप देखेंगे कि दोनों तरफ पूरा रामचरित मानस गिरलाइन पर कंप्यूटर नहीं है पहली बार पूरा भाग बस नहीं है कंप्यूटर के द्वारा दिखाया एक ही मेरा हम वहां के लिए आपको निमंत्रण देते हैं कि आइए गंगा जी का गंगा जी से रिश्ता जोड़ करके रखना चाहिए मित्रों क्योंकि हमारा आखिरी ठिकाना वही क्यों संकोच हो रहा है डरते हो क्या आखिरी में तो गंगा जी अगर बच्चे लाए बोल तो पहुंचाएंगे अस्थि नहीं तो पता नहीं भगवान मोदी ने आपको न दे आप ऐसे ही दे मैं जानता हूं मेरा आशीर्वाद गलत है होगा नहीं है फिर भी बचपन तीन चले देता बोलने में क्या हो जाए आपका आशीर्वाद है आप दीर्घायु हो स्वस्थ रहे लेकिन हरिद्वार जरूर आइए और तुलसी मानस मंदिर में आपको आश्रय आतिथ्य मिलेगा और वहां का फोन नंबर हमारा पता ठिकाना सबके पास है ये दीक्षित वगैरह ये दीक्षित सब हुआ है दीक्षित के हमारे छोटो जा चुके हैं त्रिपाठी जी जा चुके हैं श्री राम जय राम जय राम गंगा माँ को प्रणाम किया राम जी ने और फिर उसके बाद बनवा को छोड़ चले राम रघुराम।
भेदा भरत को जल्दी से बुला के लाओ, अब दाह संस्कार करना है, कौन करेगा?
दोनों बेटे बनने हैं, कोई ननिहाल में है। उधर भरत जी कई दिन से बड़े खराब खराब सपने देख रहे थे, हर लोग उठ करके रुद्राभिषेक कराते हैं। अभी परिवार ने गौदारा शिव अभिषेक करें, शिव जी का अभिषेक करें, डॉक्टरों को भोजन करा रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, और यही भगवान मानते हैं, आशीर्वाद मानते हैं कि मेरे कुशल परिवार में कुशल क्षय हो। धावक पहुंचे, दूर पहुंचे और उन्होंने कहा कि महाराज ने आपको अविलंब बुलाया है। अब वहां से वो चलते हैं। मेरा ख्याल है कि हम इस बात को यही खत्म कर देते हैं। ठीक, साढ़े आठ बज गया है, कल हम खींच करके ले गए थे थोड़ा, आपको हमने देखा तो नहीं बैठने दिया। अब ये भरत जी का आना होगा, अयोध्या की स्थिति को देखना होगा, और अब तो मूड बना है कहने का। फिर भरत जी जाएंगे राम जी को बनाने, यह थोड़ा लंबा प्रसंग हो जाएगा। आपने छेड़ दिया बात को, बहुत शॉर्टकट पर चल रहे हैं। फिर भी अब दिन हमारे पास दो बचा है, शुक्र शनि और इतवार, और इस तीन दिन में भरत जी की चित्रकूट की यात्रा, थोड़ा भरत जी का प्रसंग, और फिर उसके बाद सीता हरण का प्रसंग, और बाली सुग्रीव की मित्रता, रावण का वध, रामराज्य अभिषेक, इतनी लंबा, ये सब तीन दिन में बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी ईमानदारी से हम 7 बजे शुरू करें तो जब मिलता सवा घंटा मिलता है सुनाने की कोशिश करूंगा, और आपको आराम से ले जाएंगे हम सेवड़ी तक। उसके बाद फटाफट मिलाएंगे आपको किसकिंदा में सुग्रीव और राम जी को, और रावण को जो श्रीराम जयराम करके अयोध्या लौटेंगे, और राम जी का अभिषेक होगा। ये तीनों कार्यक्रम आप कल से लाभ उठाइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बड़ी स्थिरता के साथ, सजगता के साथ आपने कथा श्रवण किया है। मैं समझता हूं कि मैंने कथा में मुझे बड़े चुटकुले आते हैं, बड़े भजन भी आते हैं, लेकिन हमने आपको चुटकुला हास्य व्यंग विनोद वो सब ना करके विशुद्ध कथा सुनाई है, और इसमें आलस भी आता है, लोगों को नींद भी आती है, लेकिन हम तो नींद के दुश्मन है ना, हम नींद नहीं आने देते, हम देखते रहते हैं, और जहां देखा मतलब टूट हम वहीं पहुंच जाते हैं। लगी आवाज क्या दे रहा था, अलग हो जाएगा। तो आइए एक छोटा सा, अरे कब होंगे नेहुना पर जन्म, ये जो आप राम कथा सुन रहे हो, घर कर रहे हो ना, यही आपका असली कमाई है। आप नहीं किया तो जो काला मानेंगे बुढ़ापे में, अरे कब हूं कि नेहुना भर जाना, कब हूं कि मुख्य बोल है, कब हूं कि नेहुना भर जाना कैसे सब परी। सबरी का मतलब कि कभी तूने भजन तो किया नहीं, जब जाएगा तो रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का सामना कैसे कर पाएगा। कबू के ने होना भर जाना हुआ ऐसे सर पर, ये थोड़ा कठिनाई हो जाए कि आपकी गौरव की भाषा में है बोलिए, ध्यान तो सुन तो बोलोगे, और नहीं ध्यान तो सुन सकते नहीं तो खाली कर बुलाओ, जैसे हम कह रहे हैं कबू के ने होना भर जाना हुआ, आप कह लो अरे कुछ तो बोलोगे, स्वर में स्वर मिला लो, और स्वर का ही नाम ईश्वर है, स्वर में स्वर मिलाओ। कब हम के में होना भर जाना कैसे सर भर, अरे कैसे सर भर हो रामा, कैसे सर भर कैसे सर भर हो रामा, कैसे सर भर कैसे सब बली हो बाबा, कैसे सब बली कब, जब जय हो रहा आपके भवानावा, कैसे सब बली।
काजनों कष्ट के उनका किया था ये इकरार आए थे भजन को पूर्ण
की करके दिन दिन हुए सयान में महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज के आगम श्री चरण कमलों को नमन करते हुए आज इस रामकथा ज्ञान यज्ञ का पंचम दिवस संपन्नता की ओर अग्रसर हो रहा है। मात्र 3 दिवस और शेष हैं, कल शुक्रवार, शनिवार और रविवार, और आप यह महसूस कर रहे होंगे कि स्वामी जी किस तरह से कथा हम सबको श्रवण करा रहे हैं। बहुत ही सरस मधुर भगवान की कथा यहाँ पे प्रवाहित हो रही है। यह संयोग है, सौभाग्य है और स्वामी जी की विशेष महती प्रमा है हम सब के ऊपर, जो ऐसा संयोग सोचा हम सभी को दुर्लभ
जो है वो प्राप्त हो रहा है, तो इस क्षण का इस समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए, पर वो ला गया चाहिए। मैं पुनः पुनः आप सबसे आग्रह करता हूँ ये तीनों दिन इवेंट्स के हैं, और मैं मित्रों को भी उत्साहित कीजिए ताकि ये लोग भी इन दिवसों में संपस्थित होकर के और राम कथा व्रत को पालन करके अपने जीवन को धन्य एवं कृतार्थ कर सके। कल और परसों शुक्र शनि का जो समय है 7 से 8:30 एवं रविवार का जो समय होगा 6 बजे से 7:30 तक, इन्हीं सूचनाओं के साथ पुनः पुनः आप सभी की तरफ से पूज्य श्री के पावन श्री चरण कमलों को नमन करते हैं। आज की कथा प्रसंग को विश्राम आपकी से पूर्व आज के प्रसाद की सेवा जिस श्रद्धालु परिवार ने कराई है, उन्होंने गुप्त श्रद्धा के रूप में आपकी अभोग सेवा भगवान के पावन श्री चरण कमलों में समर्पित किया। भगवान से हमें विनती है, प्रार्थना है कि प्रभु आपकी भोग सेवा को स्वीकार करते हुए परिवार के सभी जनों के ऊपर प्रभु अपनी कृपा देते हैं, अपना आशीर्वाद परस बनाए रखें। इसी प्रार्थना उन्हें प्रसाद आज की कथा प्रसंग को विश्राम अब आपके आग्रह के लिए खड़े हुए आगे धन्यवाद।
Mahamandleshwar Swami Arjun.